नमस्कार दोस्तों, लाइफ एड टीचिंग की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम पहले ही 3 मार्च को एग्जाम हो चुका है RSCET का, और दोस्तों उसकी जो आंसर की है वो हम आपके लिए लेके आ चुकी हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको ए सीरीज है उसकी सारी आंसर की मिलेगी। अगर दोस्तों आपको दूसरी सीरीज की आंसर की चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे पार्टिकुलर वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि ए बुकलेट, बी बुकलेट, सी बुकलेट या फिर डी बुकलेट, सभी के वहां पे लिंक दिए हुए हैं। वहां पे जाके आप अपने एग्जाम की आंसर की चेक कर सकते हो। ओके, और इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताई दिया, ए बुकलेट सीरीज है उसके बारे में बात करेंगे। और वैसे दोस्तों, अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले वाला लिंक है, वहां से आप इन सभी आंसर की को डाउनलोड कर सकती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर दोस्तों आपने अभी तक लाइफ हाई टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ हाई टीचिंग को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके कंप्यूटर की अपडेट सबसे पहले। यहाँ पे ए सीरीज है, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से यूएसबी को कहते हैं? तो दोस्तों, इसका जो रियल आंसर है वो है बी, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, डीबीएमएस एसीआईडी प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है, एसीआईडी का मतलब क्या है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है बी, ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, पी रोम और फ्लैश मेमोरी, ये तो रोम का प्रकार होता है, पर ई रोम नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले कॉपी फॉर्मेटिंग करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना पड़ता है, और उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों बी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा निर्देश पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो हमने उनमें बताया है, कंट्रोल एम नई स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रॉक्सी फायरबॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है नेटवर्क लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एमएस एक्सेस 2010 में क्विक सेलेक्ट में निम्न में से कौन सी ऑप्शन होती हैं? तो दोस्तों, आपके सामने जो ऑप्शन है, जैसे कि सिलेक्शन और टॉगल फिल्टर, ये दोनों ही इसके अंदर होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। सीडी डीवीडी में फाइल को कॉपी करने के प्रोसेस को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। निम्न करेक्टर में से किसका ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब होता है? यानी कि दोस्तों, अपना जो ईमेल एड्रेस होता है उसके अंदर विशेष जो करेक्टर होता है वो होता है दोस्तों @। ओके, तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। PAN का पूरा नाम होता है, अगर दोस्तों आपने हमारी पीछे वाली वीडियोस देखी तो हमने उसके अंदर PAN के बारे में बताया था। तो इसका आंसर है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि ए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में से किसकी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो दोस्तों, मेश होती है, ट्री भी होती है, स्टार भी होती है, पर मून नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है वो है सी। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्न में से कौन सी लेयर नेटवर्क से फिजिकल डाटा भेजे जाने के बारे में विस्तृत जानकारी देती है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सेटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी है, 1 GHz से 50 GHz। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट डोमेन को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डोमेन नेम सर्विस। ओके, यानी कि DNS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 8 बाइट के कलेक्शन को कहते हैं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इनबॉक्स। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जो मेल आती है वो दोस्तों इनबॉक्स में दिखाई देती है, और भेजी गई मेल सेंड मेल में, और ड्राफ्ट के अंदर जो मेल हम बीच में कट कर देते हैं, और स्पैम के अंदर जो अनचाही मेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जावे तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ताओं उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर हमने बहुत सारे व्यक्तियों को मेल भेजना है और उनमें से किसी को पता ना चले कि यह मेल किस किस के पास गया है, तो उस समय हम यूज़ करेंगे BCC का, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ये भी दोस्तों मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था, तो इसका राइट आंसर है वो है बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे ताकतवर माना जाता है? तो दोस्तों जो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है, यानी कि कैपिटल VMOU@ और 2017। तो ये इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बिट प्रति सेकंड। ओके, यानी कि बिट्स प्रति सेकंड, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप कहलाती हैं? तो दोस्तों पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो कहलाते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट व लैंडस्केप। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। विंडोज 10 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड को उपयोग में लिया जाता है? यानी कि दोस्तों अगर हमारे कोई फोल्डर या फिर कोई फाइल खुली है तो उसे मिनिमाइज करने के लिए हम विंडो की प्लस डी की का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन सा इनपुट उपकरण, यानी कि दोस्तों यहाँ पे उपकरण लिखना था, उपयोग में लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों डी, यानी कि माइक्रोफोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एमएस वर्ड 2010 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? तो दोस्तों एमएस वर्ड 2010 में फाइंड ऑप्शन होता है हमारे होम टैब के अंदर। तो इसका राइट आंसर है वो है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक्सेल 2003, 2007 व एक्सेल 2010 में फाइल को क्रमशः किस एक्सटेंशन में सेव किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि XLS, XLSX और XLSX। ओके, और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया भी था, तो ये क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर से अटैच डिवाइस को ऑपरेट एवं कंट्रोल करने के लिए रिक्त स्थान प्रोग्राम है। यानी कि दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर के साथ अन्य हार्डवेयर को अटैच करता है उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है दोस्तों डिवाइस ड्राइवर। ओके, जैसे कि प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो हमें प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर लगाने पड़ेंगे। अदर कोई भी डिवाइस हमें ऐड करनी हो कंप्यूटर के साथ तो हमें डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम इंस्टॉल करने पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी टेबल नेटवर्क के सभी नेटवर्क एड्रेस व संभव रास्ते की सूचना रखती है? तो वो होती है दोस्तों राउटिंग टेबल। तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? तो दोस्तों जो हार्ड ड्राइव है ये नहीं होता, और दोस्तों मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि इससे क्लाउड स्टोरेज से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो आ भी गया है। तो इसका आंसर है बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। वह मल्टीपल टास्क या प्रोसेस जो CPU की तरह कॉमन प्रोसेसिंग अवयवों का उपयोग लेते हैं उन्हें कहते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, PDF का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका राइट आंसर है वो है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रिक्त स्थान एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गई या फिर गए फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो दोस्तों ये होता है रिसाइकल बिन, जो कि हमारे विंडो के डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, रिक्त स्थान का उपयोग कर एक साइट से दूसरी साइट पर या एक नेटवर्क व इंटरनेटवर्क लोकेशन में जाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यानी कि इसका राइट आंसर है वो दोस्तों हाइपरलिंक। ओके, यानी कि ए। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप दो एंटिटी के बीच होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए है, यानी कि 1:1। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राइमरी कुंजी में रिक्त स्थान होती है?
तो दोस्तों प्राइमरी कुंजी के अंदर यूनिक वैल्यूज होती हैं, ओके, तो इसका राइट आंसर बी है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे। निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो पाई चार्ट, बार चार्ट, ये दोनों होते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे लाइल लिखा हुआ है, लाइल नहीं, मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पे लाइन लिखना था, तो लाइन चार्ट भी होता है पर दोस्तों लीजेंड चार्ट नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है वो डी ही माना जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एवं अक्षर छोटा अक्षर कहलाता है, तो दोस्तों वो होता है दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट, ओके, यानी कि इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया, आंसर की कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपसे एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा, अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट होता है तो उस डाउट को हम कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देंगे, या फिर दोस्तों हमारे ग्रुप जो है, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है, वहां पर हम कोई भी डाउट हमें मिलता है तो उसे हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही RSCET की टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए और रियल अपडेट पाने के लिए, कोई फेक अपडेट नहीं, रियल अपडेट पाने के लिए आप लाइफ है टीचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो अपने RSCET दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।